टुडे वी एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन एंड इट्स लॉस. सो डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? सो रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. रिफ्रैक्शन क्या है? ये एक फिनोमिना है बेंडिंग ऑफ लाइट का. जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट जो होती है वो बैंड हो जाती है, थोड़ी सी बैंड हो जाती है. उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन. सो इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं. नेक्स्ट इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि जैसे रे ऑफ लाइट आ रही है, ऊपर एयर मीडियम है, नीचे हमारा वाटर मीडियम है. रे ऑफ लाइट आ रही है, उसका जो ओरिजिनल पाथ है वो आगे डॉट इन में दिया गया है, ठीक है. सो वो जो अपने एयर से जब वो वाटर मीडियम में गई तो वो बैंड हो गई, ठीक है. जो ब्लैक में आपको लाइट दिख रही है ये बैंड, उसका ये बैंड हो गई है वो अपने रे ऑफ लाइट. तो इसी बैंडिंग ऑफ लाइट को हम, इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है. नेक्स्ट है इसके लॉज क्या, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के क्या लॉज है? इसके तीन चार लॉज मैंने डिस्कस किए हुए हैं. सो फर्स्ट है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है वो तीनों सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन द स्पीड ऑफ लाइट वेव लेंथ चेंजेस बट फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. जब रिफ्रैक्शन हो रही होती है तो जो स्पीड ऑफ लाइट होती है और जो वेव लेंथ होती है वो चेंज होती है, बट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम रहती है, ठीक है, जब रिफ्रैक्शन हो रही होती है, ठीक है. सो थर्ड है कि वैन लाइट गोज फ्राम रेरर टू डेंसर इट विल बैंड टूवर्ड्स नॉर्मल एंड वैन इट गोज फ्राम डेंसर टू रेरर इट विल बैंड अवे फ्राम नॉर्मल. मतलब कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट बैंड होती है टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ बैंड होती है. और जब डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर की तरफ बैंड होती है वो लाइट. नेक्स्ट है कि डिफाइन स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ भी एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. सो क्या स्नेल्स लॉ? इट स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट एट दैट कॉन्स्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कॉन्स्टेंट के बराबर है और उस कॉन्स्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है. यही है हमारा स्नेल्स लॉ, और स्नेल्स लॉ ही हमारा एक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर काइंड ऑफ वीडियोज लाइक दिस कैटेगरी, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स. थैंक्स.